बेहतर बनाना है। चलें देखें करें, ये टॉप क्लास क्वेश्चन है, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मज़ा आ जाएगा इसको आप करते हो तो। चलें सीखें करना, सीखते हैं। देखिए ज़रा, अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, है ना रूट। अब आप लोग मुझे बताइए, अल्फ़ा अगर एक से दो के बीच है और बीटा अगर दो से तीन के बीच है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल इमेजिनरी, क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है सर, रियल होंगे। बात समझ में आ रही है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो रियल होंगे सर। रियल होंगे तो क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन जीरो होता है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो हो नहीं सकते, दो इक्वल नहीं है, यहाँ भी दो इक्वल नहीं है, ठीक है भैया। तो d ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। b कितना है, b b है माइनस का 16 का स्क्वायर यानी कि 256, कोई दिक्कत। माइनस फोर इंटू ए कितना है, a आपका 4 है, c कितना है लैम्डा बाई 4 ग्रेटर देन जीरो, क्लियर, समझ में आ गया। रियल कैसे समझेंगे संगीता, एक से दो के बीच में आएगा या दो से तीन के बीच में कोई रूट आएगा तो रियल ही तो होगा, इमेजिनरी थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। यही तो हिंट दे रखा है हमें यहाँ पर, इस हिंट से हम समझेंगे ना। चलो तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है लैम्डा की वैल्यू, कोई बता सकता है मेरे को, तो 256 माइनस 4 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, 256 4 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 64 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या बोलूंगी, लैम्डा जो है लेस देन 64 होना चाहिए, ये कंडीशन निकल कर आ चुकी है। शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। चलिए अब हम क्या कर रहे थे, अब हम वही काम कर रहे थे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, c बाई ए, जो कि कितना होता है लैम्डा बाई 4 इंटू 4 यानी कि लैम्डा अपॉन 16, ठीक है भैया, यही होगा ना अल्फा इंटू बीटा, c बाई ए होगा, c हमारा वो है, a हमारा ये हो जाएगा 4, तो लैम्डा अपॉन 16। अब मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का आपका इंटरवल क्या आ जाएगा सर, अल्फा इंटू बीटा, 2 एकम 2, मिनिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से कम गुणा कर दो और मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से, 2 से 6 के बीच में होगा। यहाँ अगर इक्वल नहीं लगा है, क्या 2 और 6 को आप लोग लोगे, क्या 2 और 6 को आप लोगे, नहीं लोगे, इक्वल नहीं ले सकते आप, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है सर, मज़ा आ गया यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, देखिए तो देखिएगा कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा लैम्डा अपॉन 16, यानी कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरा लैम्डा क्या होना चाहिए, 32 से बड़ा होना चाहिए और 96 से छोटा, भाई 16 का दोनों तरफ गुणा कर दो ना, 32 से बड़ा होना चाहिए 96 से छोटा, मुझे बताओ क्या लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होंगी। लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 64 से छोटा होगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 63 हो सकती है और 33 से 63, तो लैम्डा की कितनी वैल्यू संभव हो गई, 63 में से 33 गए तो 30 + 1 = 31 वैल्यू संभव हो गई। बात समझ में आ गई। अब आपने कल क्या किया था याद करो, आपने कल 95 लिया था यहाँ पर, लेकिन 95 नहीं लोगे आप, बोलो क्यों, क्योंकि 95 लोग अलाउ ही नहीं है, लैम्डा 64 से कम होना चाहिए, अलाउ ही नहीं है 95, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा 31 इसका आंसर आएगा, है ना। शानदार क्वेश्चन कि लैम्डा की जांच भी हमें देखनी पड़ेगी कि यार लैम्डा कहाँ तक है, ये वैलिड कहाँ तक है, जब तक उसके रूट हमारे क्या हों, हमारे रियल रूट हो सके, तो दोनों कंडीशन से देखना पड़ेगा कि लैम्डा कहाँ से कहाँ तक लेना है, केवल इस कंडीशन से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको, ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ
पी और की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो मोल है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, पी और क्यू आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और के दो मूल हैं, इनमें से निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कैसे करोगे भाई? मैंने कहा भैया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो। मैं इतना जानता हूँ कि भैया आपका जो अल्फा दो मूल है, पी और क्यू भी क्या है, इसके दो मूल ही तो है। पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा बताना जरा, पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा? माइनस पी, और पी इन पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू बाई बराबर क्यू, तो पी बराबर हो गया एक, और क्यू बराबर कितना हो जाएगा? टू पी बराबर माइनस क्यू, और पी बराबर हो रहा है माइनस क्यू बाई टू, पी बराबर एक हो गया। तो यहाँ कुछ और हो सकता है क्या? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम गाइस? तो प्रॉब्लम है क्या सर? एक कैसे नहीं समझ में आया, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना हमने, ये बता दो बस मेरे को, बाकी तो मैं देख लूंगा। चलो एक बार देखते हैं। देख P और Q हमारे दो रूट हैं, P और Q क्या है, हमारे दो रूट हैं, ठीक है। P और Q अगर हमारे दो रूट हैं तो दोनों रूटों का योग कितना आएगा? माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस पी, कोई दिक्कत? अगर माइनस पी होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा? माइनस टू पी, या फिर मैं कह सकता हूँ पी बराबर क्यू बाई टू। अब ये बताओ अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको इससे, तो पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल सी बाई ए, ठीक है, ठीक है ना। और इसके बाद आपके सामने क्या होगा, और इसके बाद आप देख रहे हैं क्यू से क्यू कट गया, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? एक। पी बराबर अगर एक हो गया तो क्यू बराबर कितना होगा? माइनस का टू, और पी बराबर एक। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताइए, इनमें से कौन सा आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देख लो, यहाँ पर आप देख रखा है कि भाई माइनस टू और जीरो, ठीक है, पी बराबर एक है, बस ठीक है, पी बराबर एक बोल सकते हैं अपन, और कुछ नहीं होगा। या माइनस टू, क्यू बराबर माइनस टू है, केवल यही सही लग रहा है मेरे को, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। अब क्यू में नहीं दे रखा, पी की वैल्यू कुछ नहीं, ठीक है माय डियर। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन हो गया होगा ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है और उसके दो रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो ये बताइए मूलों का योग कितना होता है? माइनस बी बाई ए, यानी कि प्लस का सिक्स। मूलों का गुणनफल कितना होता है? सी बाई ए, यानी कि नाइन। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए बी प्लस ए अपॉन ए बी, यही तो निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ ये अल्फा प्लस बीटा बात बराबर ही है, मैंने वही लिखा है यहाँ पर, मार्क समझ लेना, 6/9 आंसर आ जाएगा, यानी कि 2/3। कोई दिक्कत आ गया सबको समझ में? क्लियर हो गया माय डियर, है ना। आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी इसका आंसर निकाला होगा अच्छी बात है, लेकिन कैसे करेंगे सर ये बताइए। हाँ नहीं हुआ ना, इसका आंसर नहीं आया। चलो अब एक मूल दूसरे का दुगना है तो ए का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अब एक मूल अगर दूसरे का दुगना है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा बात ये है, बड़ा कंसर्न ये है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। अगर इसको डिटेल में करना है, अगर इसको डिटेल में करना है तो क्या आंसर आएगा, अगर इसको डिटेल में ना करें तो कैसे करें? नहीं बना कोई बात, हम करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो आता है वो निकालते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मूल अगर आपका अल्फा है तो दूसरा मूल आपका टू अल्फा होगा, बोलो हाँ या ना।
पहले बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि एक मूल दूसरे का दुगना है, यानी कि अगर एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा वाला टू अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब मूलों का योग क्या होता है? थ्री अल्फा माइनस बी बाई ए, ठीक है? अपनी कॉपी में लिख लेना या कमेंट में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा कि सर इसको कैसे सॉल्व करूँ, हमने बड़ी समस्या आ गई हमारे पास। अब देखो जरा, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा लिखाता हूँ, यानी कि अल्फा इंटू टू अल्फा लगाता हूँ, तो कितना हो जाएगा? सी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई, ठीक है, सी बाई ए होगा। कितना होगा? टू टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए माइनस थ्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? यानी कि क्या मैं टू से टू काट सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए माइनस थ्री। इट्स ओके गाइस, एवरीथिंग इज फाइन। अब आपको क्या पता है? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो आपको जानबूझकर क्या करना पड़ेगा? अगर मैं माइनस को इधर गुणा कर दूं, ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, क्यों? जानबूझकर, जिससे कि ये नाइन अल्फा स्क्वायर बने, और यहाँ मैं लिखूँ थ्री ए माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यही तो रखूंगा, बोलो हाँ या ना? यही तो रखूंगा ना भैया, एक बटे ये रखूंगा, ये वाला पोर्शन। इससे मैं ये काट सकता हूँ, एक बार काट सकता हूँ, इससे मैं काट सकता हूँ ना? यानी कि अब मेरे सामने क्या बन गया? अब मेरे सामने जो इक्वेशन बन रही है, यही तो बन रही है, नाइन ए स्क्वायर माइनस पैंतालीस ए माइनस सत्ताईस बराबर थ्री ए माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है? 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर चला गया, सॉल्व कर सकते हो क्या मेरे लिए? सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आया? 45 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 39a बराबर, ठीक है, 39a बराबर कितना निकल कर आ रहा है हमारे सामने? 26। और a बराबर निकल कर कितना आ गया? ओहो, 28 आएगा ना, प्लस वन, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गड़बड़ है क्या? सही है ना? हाँ, 27 आएगा। अट्ठाईस आएगा, अट्ठाईस होगा, अट्ठाईस बटे उनतालीस, ये आंसर आएगा एक्चुअल में ये आंसर आएगा। माइनस नहीं, प्लस नहीं रहने वाला, हाँ माइनस का आएगा, माइनस का अट्ठाईस बटे उनतालीस आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भी निकाल दिया था जो कि गलत था। अब कहाँ गड़बड़ है सर? सर अगर ए स्क्वायर माइनस फाइव ए माइनस थ्री की वैल्यू वन बाई अल्फा कर दें तो ए स्क्वायर वन बाई अल्फा कर दें तो, हाँ वो भी कर सकते हो, बात तो वही है ना, वही तो किया है मैंने, एक्चुअल में वही किया है। यहाँ तो मैंने इक्वेशन ही तो सॉल्व करी है, आप वही रखोगे तो कट तो गया था ना लास्ट में, हाँ सेम ही आएगा, ये कट जाएगा, जो मैं बराबर कर रहा था वो कट जाएगा, वो मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा था क्योंकि भाई समझ में आना चाहिए। आंसर ये आएगा, ये ऑप्शन में से आंसर नहीं है। अब आप कहोगे सर आंसर क्यों नहीं है? क्वेश्चन जिस हिसाब से है वैसा है, ठीक है। अब सर आपने कैसे आंसर निकाल दिया? ऑप्शन गलत है, कोई इशू नहीं है, ऑप्शन गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरीका समझना। जो ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आया था, ये प्लस थ्री था यहाँ पर, ठीक है। अगर प्लस थ्री होता तो यहाँ कितना निकल कर आता? प्लस का सत्ताईस, ठीक है ना, ठीक है, प्लस का सत्ताईस, और फिर निकल कर आंसर कितना निकल कर आता? फिर निकल कर आ जाता अपना माइनस का टू बाई,
तो 26 हो जाता, 13 39 13 26। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने क्या यहाँ चेंज करना भूल गया ऑप्शन, और मैंने यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया था, ये मेरी मिस्टेक है, मैं ऑप्शन चेंज करना भूल गया था इस फाइल में। ठीक है माय डियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो हमने लॉजिक सीखा है और ये आपका आंसर निकलता रहेगा सर। ऐसे ही एग्जाम, हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करवा दिया है, इसमें सही है कि एक बार चेक कर लेना सर, 2x-3x-2 हो जाएगा ये तो, और एक क्या हो जाएगा 2x+1। नहीं, बी कहां से होगा, बी ओवर डी। सर +2/9 होगा ना, कहां पर होगा +2/9 डियर, जब यहां 26/39 आएगा तो 13 39 13 2 26 ही तो रहेगा, 2/3 होगा, है ना। अब सही है सब, x बराबर 2 रखने पर दूसरा मूल निकालना है, कैसे निकालोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बराबर 2 रखते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, 4-6 × 12 +k = 0, k बराबर कितना निकल कर आ गया 8, k बराबर अगर 8 आ गया तो द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी, x²-6x+8 = 0। ठीक है, अब 8 के ऐसे टुकड़े करे जाएं, 6 आ जाए जोड़ने पर, आप कहेंगे 4 और 2 कर दो, यहाँ अगर माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ दोनों साइन सेम होंगे प्लस के, तो x की वैल्यू 4 और 2 आ जाएगी, यानी कि एक तो 2 दे ही रखा है तो दूसरा कितना होगा 4, x आएगा x के नहीं है x। नेक्स्ट 5x²-7x+2 के अल्फा बीटा 2 मूल है, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना, ये अभी किया था हमने उसी टाइप का है, यानी कि क्या करना है आपको, एक्चुअल में आपको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा निकालना, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी वाई है, यानी कि 7/5, और अल्फा इनटू बीटा कितना आ जाएगा 2/5, आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है 7/2। कर पा रहे हो ना क्वेश्चन, कर पा रहे हो ना, ये बेस्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक के, ये ध्यान रखना, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, ऐसा नहीं कि मैं रेलवे में पढ़ा रहा हूँ तो रेलवे के मतलब का पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं, टॉप क्वेश्चन है सारे के सारे, आपके सारे के सारे काम के हैं, सारे के सारे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, के का मान बताइए इसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूल समान हो, अब मूल समान होंगे तो क्या होगा बताओ, अगर मूल समान होते हैं तो आपका जो d है वह क्या होता है, 0 होता है, d 0 होगा तो b²-4ac = 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है, तो b स्क्वायर कितना है 4√3 × 4 × c 0। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, 16 48 − 16k = 0, तो यहाँ से k बराबर कितना निकल जाएगा 3। आज रात को 8 बजे हम एवरेज पढ़ने वाले हैं, जिसको आना है वो आ जाना, ठीक है सर मेरा, हाँ ले लूँगा भाई ले लूँगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करके बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करके बताएंगे, अब मज़ा तभी आएगा जब आप करके बताओगे, कोई समाधान नहीं होता तो क्या कहते हैं सर, डी हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, डी क्या होता है b²-4ac आपका लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बी कितना है, बी स्क्वायर यानी कि करेंगे तो कितना आ जाएगा k²-4, a आपका 3 है और c आपका कितना है k < 0, k²-12k = 0। अब k कॉमन ले लोगे, k-12 हो जाएगा लेस देन 0, नंबर लाइन बताएंगे, नंबर लाइन पे दो पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है सर और एक आ रहा है 12, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए, लेस देन वाला चाहिए ना, यानी कि हमें नेगेटिव वाला चाहिए, यानी कि 0 से लेके 12 तक ही आंसर होगा,
अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, देखो कितनी आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डियर। अब इससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं आपकी, सब आपको लगता होगा सर ऐसा आ गया, तो कुछ नहीं, यही रहने वाला है पैटर्न, यही रहने वाला है। अब जो प्रैक्टिस करता है, जो स्पीड से करना सीख गया, सर नेगेटिव कैसे समझें, कि जीरो से छोटा दे रखा है तो नेगेटिव तो हो गया डियर। एंगुलम बताओ, जीरो से छोटा दे रखा है तो, और नो नो सॉल्यूशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन होगा यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। विनोद राठौड़ कह रहे हैं मुझे इसमें दिक्कत होती है। विनोद एक बात कहूं आपसे भाई, एक बात कहना चाहूंगा विनोद, पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में अच्छे रटना नहीं है विनोद, रटना है ही नहीं, आपको लगता हो कि मैं कुछ रटवा रहा हूं, अरे कारण है हर चीज का, बिना कारण के कोई बात थोड़ी ना होती है, अकारण कोई बात नहीं होती है, हर चीज का नियम बताया है, जाकर रिवाइज कर लो, फिर ये दिक्कत रह जाती है, रिवीजन करना पड़ेगा, नोट्स बना रहे हो तो रिवीजन करो, है ना, फिर गलतियां फिर नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो करके बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर सकते हो क्या, वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा नीचे रखना है, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 15 और ऊपर आएगा कितना 8, आंसर 2 मिनट में आने लग गया अब आपका, यानी कि कभी भी आपसे व्युत्क्रम का पूछे तो डायरेक्टली आप माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कर देना 8 बजे तक मेरा होता है। नेक्स्ट बताइए, बोला गया है कि एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस के वन एक्स प्लस के टू बराबर 0 के गुणज हैं, तो के वन और के टू का मान क्या होगा। मैंने आपसे एक बात कहूँ, गुणा मत मानना, अब आपके दो मूल हो गए प्लस का 2 और माइनस का 3, अगर ये आपके दो रूट हैं, मूल कैसे निकालते हैं, इनको 0 के बराबर करके, तो प्लस का 2 और माइनस का 3, तो एक इक्वेशन बना दो मेरे लिए, जल्दी से बनाओ सर, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स मूलों का गुणनफल माइनस का 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ बताइए के वन का मान क्या होगा, के वन का मान होगा 1 और के टू का मान होगा माइनस का 6, तो आंसर कितना आएगा, बी आएगा, ध्यान रख। ठीक बा, दूसरे वाले से कैसे सर माइनस है, एक्स की वैल्यू रखकर भी डी डी क्यों नहीं, समझ नहीं आया ये वाला, मस्त क्वेश्चन है ये। अरे पवन कुमार, के टू की वैल्यू है, देखो भाई मैं कह रहा हूं के वन पहले आएगा, के टू बाद में आएगा, के वन एक आ रहा है तो हम एक वाला पहले लेंगे, इसलिए डी नहीं लेंगे। भाई हर चीज का मतलब होता है, बिना मतलब कोई बात मत किया करो, क्योंकि हर चीज क्वेश्चन यही तो, सिली मिस्टेक सर ये, इसलिए तो समझ नहीं आता, मस्त है इसलिए समझ नहीं आता, ये सोच के बैठे हो आप सर। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कहाँ दिक्कत है बताओ, मुझे बताओ कि भाई कहाँ दिक्कत है, बस सर हमें यहाँ दिक्कत है, अब बेसिक नहीं पढ़ा है तो दिक्कत दिक्कत है, भारती बेसिक पढ़ा है क्या, भारती बेसिक पढ़ा है सर, फर्स्ट क्वेश्चन में डी ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ था, बोला है वहां पर, मैंने बताया भी है, देखा देख। ये बताओ मैंने कभी आपसे कहा था एक चीज कि ये क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 3 क्या है, ये बताओ मुझे क्या है, मूल नहीं है ये, फैक्टर है, फैक्टर ये फैक्टर है भैया, फैक्टर है।
आप चाहो तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों फैक्टर से ही मिलकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, बोलो हाँ या ना। इन दोनों से मिलकर ही तो ये क्वाड्रेटिक बनी है। अगर आपको रूट निकालना हो तो क्या करते हैं, किसी भी फैक्टर से अगर आपको रूट निकालना हो यानी कि मूल निकालने हो तो क्या करते हैं, उस फैक्टर को जीरो के बराबर कर देते हैं, उस फैक्टर को जीरो के बराबर कर देते हैं। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, प्लस का 2। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, माइनस का 3। अब ये दो क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए बताओ, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों उस द्विघात समीकरण के जीरोज हो गए, मूल हो गए। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपने पिछली क्लासेस में देखा है तो, जिन भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो कोई बता सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में ही मौजूद होता है, बोलो हाँ या ना, माइनस फॉर्मूले में ही होता है, और हमें मूलों का योग करना है, इन दोनों का योग करूंगा तो माइनस ही तो आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2, और माइनस 3 इंटू प्लस 2, माइनस का 6 बराबर 0, यही होता है ना। तो अब देखो, माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस। अब हम तुलना करा लें, तुलना कराएंगे तो देखो k1 कितना आ रहा है, k1 एक्स का कोफिशियंट है, तो k1 एक्स का कोफिशियंट k1 बराबर तो आ जाएगा 1, और k2 आपका ये है कांस्टेंट, k2 बराबर आएगा माइनस का 6। साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। ठीक है, दूसरी तरीका आप क्या कर सकते थे, अगर आपको मान के चलो ये फॉर्मूला याद नहीं था तो दूसरा तरीका भी है अपने पास, इन दोनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, यही आएगी। रूट में भी इमेजिनरी बट नॉट इरेशनल, इट द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो, रूट में भी इमेजिनरी, मेरी बात को सुनना, आपको इरेशनल और इरेशनल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जो इरेशनल नंबर होते हैं इज रियल नंबर। आप मुझे बताओ, इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, हाँ या ना, इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, भाई मैं बता रहा हूँ होते हैं, मैं ना गुस्सा मत दिलाओ मेरे को, बस खाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो यार, बताया नहीं मैंने चार्ट आपको। भाई जो भी नंबर स्टार्ट होता है ना, वो दो पार्ट में होता है, रियल और इमेजिनरी, और रियल में स्टार्ट होते हैं रैशनल और इरेशनल। समझ में आ रही बात, तो अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है माय डियर, चलिए आपके सवाल का जवाब मिल चुका है कि इमेजिनरी की दुनिया अलग है, इरेशनल नंबर तो रियल के अंदर ही आता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। कि मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा, मूल बराबर है इसका मतलब डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अब वही पुट करना है, बी कितना है, पी माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में है लेकिन क्या करूं, तो प्लस ही आएगा, माइनस 4a कितना है, 4 है, और c कितना है, 1 है, पी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p प्लस 4 माइनस 16। तो यहां से क्वाड्रेटिक बन रही है, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 बराबर 0। अब मुझे बताओ, 12 के ऐसे क्या टुकड़े करूं कि 4 आ जाए, तब 6 दूनी कर दो ना। अब मुझे बताओ, यहाँ माइनस साइन है तो दोनों के रूट के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, अगर यहाँ माइनस साइन है तो दोनों रूट के साइन डिफरेंट होंगे, और डोमिनेट कौन करेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ प्लस वाला बड़ा होगा, यहाँ 1 है तो ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पी बराबर 6 और माइनस 2 आ गया, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए। मजा आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो रही है ना।
बस ढंग से पढ़ लो, सब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये बोला गया है कि के एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, एक मूल दूसरे का 4 गुना है। एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा 4 अल्फा होगा, होगा ना? तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? 4 अल्फा स्क्वायर बराबर 2 बाई के, और 5 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? +5 बाई के। तो अल्फा बराबर कितना निकल कर आ रहा है? 1 बाई के। अगर अल्फा बराबर 1 बाई के निकल कर आ गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 अपॉन k² बराबर 2 बाई के। k से k कट गया तो k बराबर निकल कर आ जाएगा 2। क्लियर हो रहा है माय डियर? चीजें क्लियर हैं? वेल डन, बहुत अच्छी बात। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट। x² +kx +40 बराबर 0, और मूलों का अनुपात दे रखा है 2:5। k का मान निकाल के बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने देखा मूलों का अनुपात 2:5 दे रखा है, k का मान क्या होगा? अब आपको ये पता है, मुझे भी ये पता है कि अगर रेशो में है तो एग्जैक्ट तो नहीं पता है ना हमें, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि यार क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो देखते हैं विल प्लान। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया, अगर मान लिया मैंने 2x और 5x मान लिया, तो मुझे बताओ मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10x² जो कि कितना होता है 40 के बराबर। x बराबर कितना निकल कर आ गया? x² बराबर 4, तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 2। है ना मजेदार काम? यानी कि आपके नेचुरल मतलब जो रियल रूट आ गए, यानी कि 4 है और 10 है। अब 4 और 10 आपके रियल रूट है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनता है? x² माइनस तो फॉर्मूले में ही है, दोनों मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स 14 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के साथ में लेना है माइनस का 14। अच्छा लगा, मजा आ गया, चीजें क्लियर हो रही हैं। सर 4 और 10 कैसे? प्लीज विराट कोहली, मैंने जब 2 और रेशो में दे रखा है 5, तो मैंने इसका x से गुणा कर दिया। अब रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a 40 के बराबर। तो x बराबर निकल जाएगा 2, तो x बराबर 2 निकल गया, तो वास्तव में क्या होगा? 4 और 10 आ जाएगा। ठीक है सर, 14 एक बार और बता दें, 14 एक बार और बता दें। अरे सम ऑफ रूट है भाई, इक्वेशन नहीं पढ़ी क्या तुमने? जब फॉर्मूला लिखा है सर डिटेल से ले लो। मनोज तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है भैया, तुम तो रहने दो, तुमने तो मेरा विश्वास ही खो दिया भाई। तुम तो आदमी बहुत खराब निकले, तुम तो वो हो गया, नाम है क्या नाम है, तुम तो रहने ही दो मनोज। ठीक है, डिटेल में नहीं है गए यहाँ पे, मुझे तो लगता नहीं इससे ज्यादा डिटेल क्या हो सकता है, इससे ज्यादा डिटेल होगा क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। मुझे पता देना कोई इससे ज्यादा डिटेल हो तो, मजा आ गया। ठीक है चलिए, अब चलते हैं आगे और बढ़िया शानदार लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, रैखिक समीकरण y बराबर x का ग्राफ किस बिंदु से होकर गुजरता है? v² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, कैसे पता करें? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यार, ये तो मेथड है। पढ़ तो लो, पहले नोट्स पढ़ो यार, मैं हर एक चीज लिखा के हर चीज बता, रूट के लिए लगाते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के लिए लगाते हैं, क्लास देखो पिछले वाले, ठीक है सब बताया हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो हमेशा पता है होना होना चाहिए आप लोगों को कि वाई बराबर एक्स मतलब क्या है। एक्स का जो मान होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा y का भी,
वही होगा। बोलो हाँ या ना। एक्स बराबर वाई का मतलब क्या है, यानी कि अगर कोई भी आप देख रहे हो, यानी कि आपका आपने देखा ये एक लाइन बनाई आपने वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स का मतलब क्या होता है कि ये ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन है, ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन। इसका मतलब हर एक वैल्यू पर, यानी कि जीरो पर जीरो है दोनों, वन पर वन, टू पर टू, थ्री पर थ्री, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल ईच एंड एवरी पॉइंट। तो केवल ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है माय डियर, क्योंकि यही वाई बराबर एक्स क्या है, ओरिजिन से गुजरने वाली रेखा है। क्या हम बोल सकते हैं वाई बराबर एक्स हमारी क्या है, ओरिजिन से गुजरने वाली रेखा है। अगर क्वाड्रेंट सेकंड हो तो, सेकंड क्वाड्रेंट क्यों होगा भाई, वाई बराबर एक्स है। तो अगर मैं कहना चाहता हूं या तो क्वाड्रेंट आपका होगा ये वाला, जहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं और जहां पर दोनों नेगेटिव होते हैं, बात समझ में आ रही है, वही वाला हो सकता है। वरना इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर माइनस एक्स होती है, कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पर वाई नेगेटिव आ रहा है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो माय डियर, तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू पर एक्स नेगेटिव थोड़ी ना आ रहा है, इक्वेशन को समझो। तो इक्वेशन क्या होती, एक्स बराबर माइनस वाई या वाई बराबर माइनस एक्स, कि वाई बराबर एक रखोगे तो एक्स बराबर ही आ जाएगा। क्लियर हो गया माय डियर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसी इक्वेशन नहीं बनेगी, क्वाड्रेंट आपको देखना पड़ेगा कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, वाई बराबर एक्स तो आता है, देखो एक्स बराबर माइनस वन पर वाई बराबर माइनस वन आ रहा है ना, एक्स बराबर माइनस टू पर वाई बराबर माइनस टू, तो एक्स बराबर वाई आ रहा है देखो। तो ये जो लाइन है वाई बराबर एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और थर्ड में होगी, तो कंडीशन उस हिसाब से है, ठीक है ना। यहां नेगेटिव है लेकिन दोनों है नेगेटिव, ठीक है। यहां हम वो नहीं कर सकते y बराबर x, क्यों, क्योंकि यहां करोगे तो यहां पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी। चल नेक्स्ट करके बताइए क्या आंसर आएगा। चलो ऑप्शन में भी गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, एक्स का कटान बिंदु क्या होगा, एक्स का कटान बिंदु क्या होगा, इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन ऑन, आप मुझे बताइए एक्स का कटान बिंदु क्या होगा। एक्स पर अगर इंटरसेक्ट करता है, एक्स पर अगर इंटर सेप्ट हो रहा है, तो वाई बराबर जीरो होगा हमेशा हमेशा हमेशा। अगर वाई बराबर जीरो हो गया तो सेवन एक्स बराबर कितना हो जाएगा टू, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा टू बाई सेवन, बात समझ में आ रही है क्या। और अगर मैं ये कह सकता हूँ एक्स का कटान बिंदु है, एक्स इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये आपने कल नहीं बताया, अभी तो आज बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कल नहीं बताया तभी तो आज बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया भाई। तो बात है ना, जो कल बता दूंगा फिर आज क्यों बताऊंगा उसको, सेम ही चीज थोड़ी बताऊंगा मैं। चलिए कंसेप्ट ही तो बता रहा हूं, अगर कोई एक्स पर काटता है तो वाई बराबर जीरो होगा, अब वाई बराबर जीरो रखना है यार, क्या दिक्कत है बताओ। अगर कोई वाई एक्सिस पर अगर कोई काटता है तो क्या होगा, इतना इजी आएगा, विराट कोहली पूछ रहे हैं, तब तुमसे होगा नहीं इजी, तुम्हें ऐसा लगता है कि आएगा नहीं, करके क्या हो गया यार, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ये, ठीक है। तो x बराबर जीरो क्या होगा, y एक्सिस पर काटेगा, तुम पढ़ो बस,
y एक्सिस पर काटेगा तो x बराबर जीरो रखना है, x बराबर जीरो रखोगे इसमें क्या हो जाएगा, तो x बराबर जीरो रखने पर तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2/3। नेक्स्ट ये बताओ, चलो देखो कौन करके दिखाता है, बताओ ना अब इसमें देखो संगीता कौन सा कंसेप्ट समझना है, अब इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। जो लोग जिसको लगता है कि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पढ़ने की जरूरत भी है, कि 2x-3y बराबर 6 है और ग्राफ बिंदु पर y अक्ष को काटता है। अब y अक्ष को काटता है यानी कि x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर -3y बराबर 6, y बराबर आ गया माइनस का 2, यानी कि 0 और -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया क्या बी, बताइए संगीता क्लियर हो गया क्या, आ रहा है समझ में, ए बी में कौन सा, ऑब्वियसली बी यार, हम कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं लिखे क्या, आपको कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना कभी भी हम, तो कोऑर्डिनेट में एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है, ये भारत क्या इंटरनेशनल लेवल पे यही कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, है ना, तो एक्स जीरो है ना पहले, वाई बाद में आएगा। नेक्स्ट बताओ, एक्स बराबर 9 पर ग्राफ किस बिंदु पर मिलते हैं, अब जब एक्स बराबर 9 रख दोगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, जब एक्स बराबर आपने रख दिया 25 नंबर 225 प्लस 75 वाई, वाई बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि x 9 आएगा y 0 आएगा, 9 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, x पहले आता है y बाद में आता है। बताइए कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो क्या शर्त है, d लेस देन 0 है, क्या आदमी हो तुम लोग यार, अगर कोई हल ना हो तो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या बताया था, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सिर्फ ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, यानी कि क्या होगा सर, 2 अपॉन 6 बराबर माइनस के अपॉन माइनस का 12, तो के बराबर आ गया 4। नेक्स्ट, किस बिंदु पर लाइन x प्लस y बराबर माइनस 6 x अक्ष को काटती है, अगर x अक्ष को काटेगी तो क्या होगा, अगर x अक्ष को काटेगी तो क्या होगा, y बराबर 0 होगा सर, y बराबर 0 होगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 6, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, है ना, x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0 होगा, तो अच्छा 3x है, सॉरी माफ कीजिए 3x है, वो इंग्लिश में 3x है ना, 3x, तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस का 2, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 2 और 0। यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान बताओ, कुछ नहीं करना, x की जगह तो 2 रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि तो हल ही उसका है, हल उसका है तो वैल्यू पुट कर दो बस। x अक्ष के समांतर सीधी लाइन का समीकरण जो x अक्ष के भी 3 यूनिट नीचे है, बताइए, SDM रेंचो, सर हल्का क्वेश्चन मत कराइए रेंचो, सच बताना क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन कैसे थे, दिल से बताना भाई, क्वाड्रेटिक वाले जो क्वेश्चन कराए थे वो कैसे थे, बढ़िया लगे होंगे आपको, क्यों, क्योंकि मजा आ गया, क्योंकि वैसे ही आते हैं इसमें, है ना, सच बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मैं, आपको इतने क्वेश्चन कोई और टीचर करवा जाए तो मेरे से कह देना, आप बनते ही नहीं है क्वेश्चन, तो वहीं खत्म हो जाते हैं, कल मैंने 5 करवाए थे, जब क्वेश्चन जब मैंने 5 करवाए थे तभी खत्म हो गए थे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपको एडिशनल चीजें करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकती है,
वैसे ये है कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर सीधी लाइन का एक समीकरण जो एक्स अक्ष के भी 3 यूनिट नीचे है, बताओ क्या होगा? सर नहीं पता, तो इसका आंसर लो। मैंने ये बना दिया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बनाने का मतलब क्या होता है सर? ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस का वाई होता है और ये माइनस का वाई होता है। अब एक्स अक्ष के समांतर डालोगे यानी कि क्या होगा? वाई के किसी पॉइंट से गुजरेगी, और एक्स अक्ष से 3 यूनिट नीचे है यानी कि लाइन कहाँ से गुजर रही है? सर लाइन यहाँ से गुजर रही है। बोलो कोई दिक्कत? इस लाइन का समीकरण क्या है? वाई बराबर -3। एक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन अगर आप डाल रहे हो तो वो वाई बराबर -3 ही तो है। क्यों? एक्स की किसी भी वैल्यू पर चेंज हो रहा है क्या मान? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो एक्स अक्ष के समांतर बोले तो वाई बराबर -3, वाई अक्ष के समांतर बोलता तो एक्स बराबर -3। टू एक्स प्लस थ्री से होकर गुजरती है, मतलब बराबर सीधी रेखा होकर गुजरती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है बेचारी, बताएं? क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है माय डियर, सर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। कैसे करेंगे? हाँ होता ही है ना, साउंड टू टाइम आ रहा है सर, आपको अकेले को आ रहा है रूपेश, बाकी सबको बढ़िया सुनाई दे रहा है। बढ़िया, 2 बार समझ में आएगा। चलिए अब मैं देख रहा हूं, एक चीज समझना, मेरी बात को सुनना कि भैया x बराबर अगर मैं 0 करता हूँ, x बराबर अगर मैं 0 करता हूँ तो y कब कटेगा? x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और y बराबर अगर 0 में रखता हूँ तो x बराबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, y बराबर मैं 0 रखता हूँ तो x बराबर कितना आएगा? 6। यानी कि काटने पीटने वाली वाली अगर बात हो रही है, काटने वाली अगर बात हो रही है तो x बराबर 6 यहाँ होगा और y बराबर 4, यानी कि लाइन कैसे गुजरेगी? ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है भाई? सिंपल सा लॉजिक है ना यार। आप मुझे और कोई भी लाइन बना के दे दो जो मुझे ऐसी फैसिलिटी देती हो कि भैया x बराबर 6 पर y बराबर 0 है और y बराबर 4 पर x बराबर 0 है। कोई और है? कोई पॉसिबल है तो बताओ। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप ऐसे निकाल सकते हो, और कोई लाइन नहीं बनेगी। बात समझ में आई? इसमें घुसी क्या? चलिए तो हाँ, तो आंसर क्या आ रहा है? कौन सी क्वाड्रेंट में होकर गुजर रही है? ये वाला कौन सा होता है? फर्स्ट, ये होता है सेकंड, और ये होता है हमारा फोर्थ। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मजा आ गया, चीजें क्लियर हो गई। अच्छा स्लोप बताना, स्लोप स्लोप क्या होगा लाइन का? स्लोप ढाल क्या कहते हैं? ढाल, ये तो अलग ही कोऑर्डिनेट का काम, कोऑर्डिनेट का काम है। ढाल होती है एक्स का कोफिशियंट अपन वाई का कोफिशियंट, -3/2, सॉरी माइनस एक्स का कोफिशियंट अपन वाई का कोफिशियंट, -2/3, यही होता है ढाल। यानी कि अब आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि सर इसका स्लोप नेगेटिव है। यानी कि अगर ऐसे कोई लाइन आए, ऐसे अगर कोई लाइन जा रही है ऐसे, तो उसका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? वेल डन, गजब। ठीक है, x बराबर a, y बराबर b, प्रतिच्छेदन बना दीजिए इसका, रेखांकन। ये तो आसान है, x बराबर a ले लो, y बराबर b ले लो, कहाँ कटेगा?
एक्स बराबर ए बी, यानी कहाँ कटेगा? ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे जिनको स्लोप समझ में नहीं आया तो मत समझो, काम का नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है? सॉल्व कर सकते हो इसको, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए और बी इसके मूल हैं, इसका योग निकालना है, ठीक है? इसी तरीके से के का मान क्या होगा जब संपाती होंगे, ये भी आसान है, ठीक है? बाकी तो आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, फिनिश हो गया, तीन क्वेश्चन है, कर लेना, मैं कल करा दूंगा। तो यहाँ आपका काम खत्म होता है, ये चीज खत्म होती है। और विनोद राठौड़ का क्वेश्चन है भाई, सब करके बताएंगे। विनोद राठौड़ का क्वेश्चन है भाई, विनोद राठौड़ का क्वेश्चन है, डोंट इग्नोर द क्वेश्चन ऑफ विनोद राठौड़। 3x² + 2x - 5 के शून्यों का योग बता दीजिए। यार क्या है यार, नहीं पढ़ा तुमने, कुछ भी नहीं पढ़ा विनोद, कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने, मतलब टाइम पास हो रहा है लाइफ में बढ़िया तरीके से। ये देखो x² - x - 1 = 0, अल्फा और बीटा दो मूल हैं, ये निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा। मैं ये कहता हूँ छोड़ो इस चीज को, आप ये बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई ए, मतलब सी बाई ए होगा, -1, ठीक है? और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का वन, आपको पता है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा, 1 - 2 यानी कि +2 यानी कि कितना आ रहा है, 3 आ जाएगा, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, यानी कि मूलों का योग आ गया, मतलब जो भी हमें निकालना है वो आ गया, ठीक है ना, मूलों का योग आ गया निकल कर, यही तो आ रहा है मूलों का योग, वही हम ये कर रहे थे, ठीक है? और मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1, मूलों का गुणनफल तो आ रहा है 1, और मूलों का योग कितना आ रहा है, 3, और अल्फा बीटा तो 1 है, तो अपना काम बन गया, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्लियर है आइडिया, आसान है बहुत, क्योंकि तो यहाँ पर ही आया हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है वो कितना है, -1 है, तो यहाँ -1 आ गया, देखो आ गया ना, और यहाँ माइनस था लेकिन -1 की वजह से प्लस हो गया क्योंकि नीचे अल्फा बीटा है। 3 कैसे आया भाई, बिल्कुल इक्वेशन लगाना नहीं आ रहा, ये समझ में आ गया दोनों, इस इक्वेशन से अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, ठीक है? हमें यही तो निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये मूलों का योग ही तो होता है, मूलों का योग कितना आ रहा है इसमें, मूलों का योग करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, यही तो मूलों का योग है, अरे यही तो मूलों का योग है, बोलो आया ना, यहाँ से ये निकाल सकते हो क्या, बोलो निकाल सकता हूँ सर, ये 1 का स्क्वायर 1 = ये मुझे निकालना है गुरुजी, और यहाँ कितना होगा, -2 ही तो होगा क्योंकि अल्फा बीटा -1 है, अब -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में जुड़ेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 हो गया ना, अब यहाँ मूलों का योग कितना आ रहा है, 3 - -1 यानी कि -3 आ रहा है सर, -1 कहाँ से आया, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो मूलों का योग ये रहा x² - मूलों का योग कितना है, -3 × x, मूलों का गुणनफल कितना है, -1 = 0, x² + 3x + -1 = 0, क्या है इसमें। चलो ठीक है, मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने बेहतरीन कंसेप्ट दिए हैं, जो मन लगाकर मेरे से पढ़ता है और भरोसा करता है। देखो आपको कभी भी लगता होगा कि आप जिस भी चीज में बिलीव करते हो तो वो आपके साथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है, यू डोंट बिलीव आपको नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार हमें तो समझ में नहीं आएगा तो कभी भी आप सीख नहीं सकते, और अगर आपको लगता है कि यार मैं समझ लूंगा यार अच्छा है सब कुछ, तो आप सीख कर सिलेक्शन भी ले जाओगे। तो बी पॉजिटिव,
ट्रस्ट करिए, जो भी पढ़ाया है उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बात समझ लेना बस। 3 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।